एक कहावत है चाय पे बात। एक बार एक रईस समझदार व्यापारी सोचता है दुनिया में सब सही है, लेकिन आज देखता हूं कि कोई मुझे नफरत वाली चाय पिला दे और उसकी क्या कीमत अदा करना पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। यह सोच रखते हुए वो अपने सबसे प्यारे और पसंदीदा होटल गया और नफरत वाली चाय मंगवाया, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। और अगर रसोइयों को ना समझ में आए तो उसको बुलाओ, मैं समझा दूंगा। अब थोड़ा समय पश्चात अंदर से रसोइया बाहर आया और बोला, साहब आपने जो चाय मंगवाई वो तो मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन उसकी कीमत आप दे पाओगे? व्यापारी पूछा, ऐसी क्या कीमत है जो नफरत की चाय की मैं नहीं दे सकता? तो रसोइये ने जवाब दिया, सबसे पहले वो आपकी अंतर आत्मा का सुख शांति भंग कर देगा, फिर बहुत सारी वहम शक पैदा करेगा, आपके दिल की धड़कनें तेज होते चली जाएगी चिंता में, फिर आप जिससे नफरत करते हो उसको देखते से ही आपकी आंखें आग बबूला हो जाएगी। जब आप उस व्यक्ति को किसी और से अच्छे से घुल मिलकर बात करते देखोगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब उसी व्यक्ति से जिससे आप नफरत करते हो उसको आप जब किसी के साथ खुश देखोगे या उसकी खुशियों के पल देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप उसकी खुशियां देख देख कर जलते रहोगे और इसी सोच में आप कमजोर पड़ते जाओगे। जब जब वो व्यक्ति खुश हो आप उदास हो जाओगे। जब वो व्यक्ति स्वयं को कामयाब और लायक बनाने की सोचता रहेगा, उस समय को आप उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे और उसकी टांग खींचने में लगे रहे होंगे। उस समय आपके अंदर की अच्छाई जो भगवान ने दिया है वो लुप्त हो जाएगा और राक्षसी प्रवृत्ति का आपका व्यवहार हो जाएगा और सदा आपके सोच को घेरे रखेगा। जब जब आप नफरत के चाय की चुस्की लेते रहोगे, तब तब आपको कुछ शारीरिक तकलीफें शुरू हो जाएगी, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की नई बीमारियां, हो सकती है कारक रोग भी हो सकता है, आपका गुर्दा और जिगर काम करना बंद कर दे, और साथ में गुस्सा, ग्लानी, दूसरों के लिए दवा घृणा भावना सब आएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही आप पर दवाई का कोई सही असर होगा और ना ही अपनों के प्रार्थना का, क्योंकि आपने कुदरत और प्रकृति के द्वारा दिए हुए चीजों का दुरुपयोग किया है। हो सकता है आप मृत्यु समय से पहले ही पाले। रसोईया और गिना ही रहा था कि व्यापारी को एक झटके में होश आया, सर घूम गया और समझ गया कि एक नफरत की चाय की प्याली उसको क्या कीमत पे मिलेगी। वो समझ गया, जब एक प्रेम से बनी चाय इतनी अच्छी और सस्ती है तो जबरदस्ती में नफरत की चाय पीकर क्यों इतने मुसीबत और परेशानियां लूं। इसीलिए किसी को भी अपनी प्रेम की खुशियां बेचकर नफरत ना खरीदें। और यदि ऐसा कोई व्यापारी आपको मिले तो उससे ऐसा व्यापार ना करे जिससे उसके वजह से आप भी परेशान हो जाओ। अपने जीवन की कीमत जानो और प्रेम से पूरा जियो। एक दूसरे से प्रेम का अनुभव लें। आपका जीवन किसी के लिए मूल्यवान नहीं है सिवा आपके स्वयं के, क्योंकि आपके मरणोपरांत आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संगी साथी भी आपको भुलाने में समय व्यर्थ नहीं करते, सिर्फ आपके साथ बिताए गए पल को याद करते हैं। यदि वो प्रेम का चाय था तो ठीक,
अन्यथा नफरत की चाय से आपको कोई याद भी नहीं करेगा। धन्यवाद।